नबी से बढ़ा वकार सुखन यही सुखन है हकीकत में ताज दार सुखन। सबसे पहले इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ, खासतौर से क्योंकि आज शब है दो मासूमों की विलादत है, तो तोहफ़ाए तबलीग पेश करने के लिए बारगाह इमामत में और बारगाह रिसालत में एक बार मुबारक सलाम कर दीजिए। देखिए मुझे अभी कुछ और पढ़ना था, लेकिन क्योंकि अभी नासिर साहब ने एक बात कही और अपना एक पैगाम पहुंचाया, वहीं से चार मिसरे पहले पेश कर देता हूँ, मुझे याद आ गए, मैं पेश करता हूँ औरों के लिए। नासिर भाई की तरफ से ये चार मिसरे पेश करता हूँ उनके हवाले से, कि औरों के लिए दिल में ईसार का जज्बा हो, औरों के लिए दिल में ईसार का जज्बा हो, दरअसल यही जिंदा रहने की अलामत है। थोड़े से आमादा हो जाए, दरअसल यही जिंदा रहने की दरस, औरों के लिए दिल में इशार का जज्बा हो, दरस यही जिंदा रहने की अलामत है, और अखलाके पैगंबर से ये दर्स मिला हमको, मखलूक की खिदमत में खालिक की इबादत है। खिदमत में खालिक की इबादत है, मखलूक की खिदमत में खालिक की इबादत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तक मेरी बात पहुंच सकी। अब ये चार मिसरे सुन लीजिए और कोशिश ये करूँगा कि मौजू पे ही बरकरार रहा जाए, और ये चार मिसरे चौथे मिसरे पे आ जाइएगा जिम्मेदारियों के साथ। जाहिर भाई पेश करता हूँ कि कटते थे कटते हैं कभी खंजर से गले, होते हैं कहीं पर हाथ कलम, कटते हैं कभी खंजर से गले, होते हैं कहीं पर हाथ कलम, ऐ दीने खुदा तेरी खातिर क्या क्या तैयारी होती है। ये शेर सुनिएगा, कटते हैं कभी खंजर से गले, होते हैं कहीं पर हाथ कलम, ऐ दीने खुदा तेरी खातिर क्या क्या तैयारी होती है। और हैदर से मोहम्मद कहते हैं ये बात बड़े ही नाज के साथ। मिसरा सुनिएगा, हैदर से मोहम्मद कहते हैं ये बात बड़े ही नाज के साथ, अब्बास का परचम उठता है पहचान हमारी होती है, अब्बास का परचम उठता है। हैदर से मोहम्मद कहते हैं ये बात बड़े ही नाज के साथ, हैदर से मोहम्मद कहते हैं बात बड़े ही नाज के साथ, अब्बास का परचम उठता है पहचान हमारी होती है, अब्बास का परचम उठता है पहचान हमारी होती है। और नात यूं मिंबर पे आई मिधते जाफर लिए, नात यूं मिंबर पे आई मिधते जाफर लिए, नात यूं मिंबर पे आई मिधते जाफर लिए। मिसरा सुनिएगा, मिसरा बगैर तरन मरकूत हो गया हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा, कि नात यूं मिंबर पे आई मिधते जाफर लिए, वो अली को जिस तरह हाथों पे पैगंबर लिए, मिंबर पे आई मिधते जाफर लिए, वो अली को जिस तरह हाथों पे पैगंबर लिए, और हुए पैगंबर से फूटी सुबह सादिक की किरण, हुए पैगंबर से फूटी सुबह सादिक की किरण, सुबह सादिक है जियाए रूए पैगंबर लिए, सादिक है जियाए रूए पैगंबर, रूए पैगंबर लिए। अब एक सलवात पढ़ती है, नात के कुछ शेर पेश करता हूँ, पेश करता हूँ कि है बाकी रोशनी की दास्तां नूरे मोहम्मद से, है बाकी रोशनी की दास्तां नूरे मोहम्मद से,
आया है आज भी नूरे निहा नूरे मोहम्मद से, आया है आज भी नूरे निहा नूरे मोहम्मद से, बगैर इनके उजालों का तसव्वुर गैर मुमकिन था, बगैर इनके उजालों का तसव्वुर गैर मुमकिन था, हुए रोशन जमीनों आसमान नूरे मोहम्मद से, रोशन जमीनों आसमान, क्या बात है, ये सिलसिला है, थोड़ा सा साथ दे देंगे तो मैं शायद उस मंजिल तक पहुंच सकूं कि बगैर इनके उजालों का तसव्वुर गैर मुमकिन था, हुए रोशन जमीनों आसमां नूरे मोहम्मद से, और ये आए हैं जहां में रहमतुल्लिल आलमी बनकर, ये आए हैं जहां में रहमतुल्लिल आलमी बनकर, हुई है रोशनी सबके यहां नूरे मोहम्मद से, रोशनी सबके यहाँ नूरे बहुत, देखिए मुझसे ज्यादा कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह वो पढ़ रहे हैं ना, जो अगर जरूरत के तहत अभी उठ रहे हैं उन्हें मैं बताता चलूं कि आखिर में आप लोग तवल्लुक को लेके जाएंगे, लेकिन जो दुआओं का तवल्लुक है सबसे बड़ा, और इस जश्न में मांगी हुई दुआ यकीनन पूरी होती है, तो उससे महरूम न रहिएगा, बहुत जल्द अपनी जरूरत से खाली होकर आ जाइएगा। कलीम अल्लाह साहब आपसे मुखातिब है, एक बार पूरे तो अपने नारे सम्मान कर देंगे, ये आए हैं जहां में रहमतुल्लिल आलमी बनकर, हुई है रोशनी सबके यहाँ नूरे मोहम्मद से। अब ये शेर पेश करता हूं, उससे पहले ये अर्ज करता हूं, इस चीज का एतराफ करता हूं कि शायद सबसे कम तालिब इल्म और सबसे कम पढ़ा लिखा आप हजरात के दरमियान मैं हूं, वो सब एतराफ करते हुए, और यहाँ दानिश्वरान और फिलोसोफर हजरात का मजमा है, और अपने छोटे भाइयों के लिए उनसे माजरत के साथ कि किसी भी चीज का, किसी पैकर का साया तब बन सकता है जब उससे ज्यादा रोशन चीज उसके सामने रख दी जाए। आप शेर पेश करता हूं, हुई है रोशनी सबके यहाँ नूरे मोहम्मद से, और एक ऐसा नूर है जिस नूर का साया नहीं बनता, एक ऐसा नूर है जिस नूर का साया नहीं बनता, उजाला मानती है बिजलियां नूरे मोहम्मद से, जिस नूर का साया नहीं बनता, उजाला मानती है बिजलियां नूरे मोहम्मद से, और सितारा उसकी किस्मत का रहा उतना ही गर्दिश में रखी है जिसने जितनी दुनिया नूरे मोहम्मद से, जिसने जितनी दुनिया सितारा उस किस्मत का रहा उतना ही गर्दिश में रखी है जिसने जितनी दूरियां नूरे मोहम्मद से, और न तूफानों से घबराई न इनके रास्ते बदले, न तूफानों से घबराई न इनके रास्ते बदले, रही मंसूब जितनी कश्तियां नूरे मोहम्मद से, कश्तियां मंसूब जितनी कश्तियां नूरे नूरे मोहम्मद से, और वो खुद तो मिट गई लेकिन इसे मध्यम न कर पाई, वो खुद तो मिट गई लेकिन इसे मध्यम न कर पाई, बहुत टकरा चुकी है आंधियां नूरे मोहम्मद से, बहुत हैदरी, एक
ना कर पाई, बहुत टकरा चुकी हैं आंधियां। नूरे मोहम्मद से उसे ईमान की दुनिया में कहते हैं अबू तालिब। उसे ईमान की दुनिया में कहते हैं अबू तालिब। खुदा ने भर दिया जिसका मकान नूरे मोहम्मद से। उसे ईमान की दुनिया में कहते हैं अबू तालिब। खुदा ने भर दिया जिसका मकान नूरे मोहम्मद से। और ये भी शेर सुनिए कि ना जंगे करबला के बाद कोई मारेगा ठेरा। कुछ इतना डर गए थे वो सिना नूरे मोहम्मद से। देखिए जितनी कुवत मेरे अंदर है, ये आखिरी शेर और अपनी जिम्मेदारियां शामिल करिएगा। शेर पेश करता हूँ, कुछ इतना डर गए थे वो सिना नूरे मोहम्मद से, और पहुंचकर शाम के जिंदान तक करबो बला होली। पहुंचकर शाम के जिंदान तक करबो बला होली, अंधेरे बच के जाएंगे कहां नूरे मोहम्मद से। अंधेरे बच के जाएंगे कहां नूरे मोहम्मद से। एक मतला और दो चार शेर और पेश करता हूँ, इंशाल्लाह इसी मंजिल पे आपके अजाने आलिया बाकी रहेंगे। शेर पेश करता हूँ कि जो अदब से बारगाहे मुस्तफा तक आ गए, जो अदब से बारगाहे मुस्तफा तक आ गए, इनके दर पर सर झुकाते ही बुलंदी पा गए। इनके दर पर सर झुकाते ही बुलंदी पा गए। देखिए शेर सुन लीजिएगा, आहिस्ता से शेर पेश करता हूं कि सारी दुनिया देख ले ये साहिबे मेराज है। कमाल साहब दुआ की कमाल से शेर पेश करता हूं कि सारी दुनिया देख ले ये साहिबे मेराज है, अर्श कहलाया जहां अहमद के नक्शे पा गए। अर्श कहलाया सारी दुनिया देख ले ये साहिबे मेराज है। अर्श कहलाया जहां अहमद के नक्शे पा गए, और दे दिए इनको खुदा ने अपने सारे अख्तियार। आज अहमद मुख्तार बनकर आ गए। और बोलने वालों सुनो नूरे मोहम्मद के खिलाफ। मिसरा पेश करता हूं कि बोलने वालों सुनो नूरे मोहम्मद के खिलाफ, रोशनी के हर मुखालिफ को अंधेरे खा गए। ऐसे होते हैं रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम सारी दुनिया पर जो किरदारों के दम पर छा गए। सारी दुनिया पर जो किरदारों के दम पर छा गए और कुछ न मिल पाया कभी झूठों को जिल्लत के सिवा।
तभी झूठों को जिल्लत के सिवा किस कदर नादान के सच्चाई से टकरा ले। कभी झूठों को जिल्लत के सिवा कुछ ना मिल पाया, कभी झूठों को जिल्लत के सिवा किस कदर नादान थे सच्चाई से टकरा गए और भूख की शिद्दत सहित बांधे हैं पत्थर पेड़ पर। भूख की शिद्दत सहित बांधे हैं पत्थर पेड़ पर सितम के हौसलों को बेड़ियां पहना ले। बेड़ियां पहना गए और देख ए इंसानियत ये है मिजाजे मुस्तफा। देख ए इंसानियत ये है मिजाजे मुस्तफा, खून के प्यासों को भी दर से वफा सिखा दे। उनके प्यासों को भी दर से वफा सिखला गए और खून के प्यासों को भी दर से वफा सिखला गई। आखिर में दो शेर उसके बाद इंतमासे दुआ, और देखिए इससे ये करबला से मरबूत है दोनों शेर। शेर मुलाया कर लिएगा कि देख है इंसानियत ये है मिजाज जाहिर का। शेर सुनिएगा, देख है इंसानियत ये है मिजाज मुस्तफा, उनके प्यासों को भी दर से वफा सिखला गए और करबला में कातिलों मक्तूल को मत देखिए। शेर पेश करता हूं, करबला में कातिलों मक्तूल को मत देखिए, जिनका मकसद बच गया वो जीत कर जिंदा है। जिनका मकसद बच गया वो जीत कर जिंदा गए और देख ले दुनिया इसे कहते हैं वादे की वफा। देख ले दुनिया इसे कहते हैं वादे की वफा, सर कलम होकर भी शीरी के मजा लगा ले। Yeah!
नाम अहमद भाई मुलायदा करिए, नाम अहमद सुन के जो मसरूर होने लग गया, नाम अहमद सुन के जो मसरूर होने लग गया, बस वही रुख तो रुखे पुरनूर होने लग गया, बस वही रुख तो रुखे पुरनूर होने लग गया, और विर्द जब करने लगा मैं या मोहम्मद मुस्तफा, विर्द जब करने लगा मैं या मोहम्मद मुस्तफा, दिल से मेरे हर अलम काफूर होने लग गया, दिल से मेरे हर अलम काफूर होने लग गया, और आपके अकवाल से ही रहनुमाई मिल गई। क्या कहने, आपके अकवाल से ही रहनुमाई मिल गई, जब जरा भी राह हक से दूर होने लग गया, जब जरा भी राह हक से दूर होने लग गया। और ये शेर खास तौर पर मुलायदा करेंगे कि ए हुसैन इब्ने अली, ये आपका एहसान है, ए हुसैन इब्ने अली, ये आपका एहसान है, जिक्र अहमद चार सू भरपूर होने लग गया, ए हुसैन इब्ने अली, ये आपका एहसान है, जिक्र अहमद चार सू भरपूर होने लग गया। अब बिल यकीन उसकी शफात को नबी आ जाएंगे, बिल यकीन उसकी शफात को नबी आ जाएंगे, जो गमे शब्बीर में, जो गमे शब्बीर में रंजूर होने लग गया, जो गमे शब्बीर में रंजूर होने लग गया। और ये शेर और आजकल के हालात के, घिर गया दहशतगरों में दीन अमनो आशती, घिर गया दहशतगरों में दीन अमनो आशती, जब मुसलमान ही नबी से दूर होने लग गया, जब मुसलमान ही नबी से दूर होने लग गया। और अव्वलन तो मुस्तफा ने ही बचाई बेटियां, मुस्तफा ने ही बचाई बेटियां, ये जहां का बाद में दस्तूर होने लग गया, अव्वलन तो मुस्तफा ने ही बचाई बेटियां, ये जहां का बाद में दस्तूर होने लग गया। मक्ता भी सुनने के आ गया जो महफिले नाते नबी में ए फरोग, आ गया जो महफिले नाते नबी में ए फरोग, वो विला के जाम से, वो विला के जाम से मखमूर होने लग गया, वो विला के जाम से मखमूर। आज से विदा लीजिए बुलंद आवाज में, इस्तकबाल कीजिए मोहतरम मौलाना मसूद हुसैन कासमी साहब। الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ويا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ويا
साहिब जमाल सदक अल्लाह अज़ीम। या साहिब जमाल व या सैयद अल बशर मिन वज्हिकल मुनीर लकद नुब्बिर अल क़मर। لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور ایک شاعر نے اور کہا ہے کہ کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو، कहा है किसने के सरदार से ओलिया न कहो, खुदा के बाद सभी कुछ, खुदा के बाद सभी कुछ कहो खुदा न कहो। सामीन, मैं इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने वाले जनाब नासिर अब्बास साहब रूहे रवा, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको ये प्रोग्राम और जैसे वो लगातार कंटिन्यूस कर रहे हैं हिम्मत दे, हौसला दे, बरकत दे। वो और सेहत के भी प्रोग्राम है के कर रहे हैं, अल्लाह उनको और बढ़ावा दे। और जितने भी लोग यहाँ आते हैं और सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग हमसे ज्यादा मुखलिस हैं, आप प्यारे रसूल की बारगाह में हमसे ज्यादा सवाब के हकदार हैं। और मैं कहता हूं हमें हो सकता है इस बात की उम्मीद हो कि मेरी अच्छी तकरीर हो, शायद साहब के मुझे वो मिले। आपके दिल में वो कुछ नहीं है, आपके यहां सिर्फ इखलास ही है। बहुत अच्छी बात है, और इसलिए आप सबसे ज्यादा काबिले मुबारकबाद हैं। मौजूद सामीन, टाइम मुझे 5 मिनट दिए हैं, मैं बहुत लेकिन 5 या 6 मिनट प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आपकी हैसियत कई तरह से है। एक हैसियत आपकी नबी और रसूल होने की है, एक हैसियत आपकी रूहानी शख्सियत है, एक हैसियत आपकी बशरी तौर पर है। इंसानी उमूर में जो मामला हमने देखे, जो पढ़े, आपकी अमूलिया और नबी और रसूल और रूहानी हैसियत को कोई नहीं जान सकता, कोई इंसान उसको नहीं बयान कर सकता। बादस खुदा बुजुर्ग तुई इसका मुख कर सकता। और गालिब ने कहा, फारसी का शेर है, क्या जबरदस्त है, के उन्होंने कहा कि हमने आपकी जो सना है बा सनाए ख्वाजा बमोला बताशतें, वो शेर पूरा नहीं है कि आपकी असली तारीफ तो हमने खुदा के हवाले कर दी, वहां तो हम पहुंच ही नहीं सके। इसलिए कि जो किसी की हैसियत या इंट्रोडक्शन बताए बयान करे वो उसके बराबर हो। एक इंजीनियर इंजीनियर को नहीं बता सकता है, एक डॉक्टर उसकी तारीख या दूसरे डॉक्टर की डॉक्टर ही बता सकता है, और वो भी हो जो इल्म में फजल में उससे बड़ा हो। मगर मोहम्मद की मुकम्मल तारीफ तो अंबिया भी नहीं बता सकते, इसलिए कि इन्ना का लाला खुदुन अजीम आला वर्फा है, और नीचे वाला ऊपर वाले को पूरी तरह नहीं समझ पाता।
तमाम अंबिया में सबसे ऊंचा दर्जा आपाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीचे वाला इसलिए आपकी सही, आपकी नबुव्वत, आपकी पैगंबराना हैसियत, आपकी रूहानी हैसियत कौन जान सकता है, कौन बता सकता है? क्या कोई नतकल साजिश हजारू नतकल हजारू शक्ल कमरू हिजारती ही निशान जरा आपा के सामने दौड़ दौड़ कर सलामी पेश करने आते थे, पत्थर आपको देखकर कलमा पढ़ते थे, चार नार के इशारे से टुकड़े हो जाता था। क्या किसी बशर की को इस डिवाइन पावर तक पहुंचने की हैसियत है? हरगिज नहीं है। हाँ, हम आपकी जो बशरी हैसियत है, जो अल्लाह ने हमारे समझने के लिए, हमारे चलने के लिए, हमारी जिंदगी गुजारने के लिए जो अल्लाह ने उनको एक खास फॉर्म में दुनिया में भेजा, उसको सुनकर और उसको पढ़कर अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, रबीउल अव्वल का ये महीना हमें पैगाम देता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी कैसे जी, उनकी जिंदगी को दो टाइप में बदल दो, दो टाइप में बांट दो, एक मक्की जिंदगी और एक मदनी जिंदगी। मक्की जिंदगी में अभी जिक्र हो रहा था ना, तो साकेर ने सबर सबर पूरी मक्की जिंदगी में सब तजकिया ट्रेनिंग पूरी मक्की जिंदगी इसी से भरी है और इसी पर आप चले हैं। और आपकी वो जिंदगी को ही हम इंसान समझ पाए। अल्फजल माशही नादा ये अरबी का मकूला है कि हम सबसे बड़ी बड़ाई वो होती है जिसको दुश्मन बयान करे। मौलाना ने दूसरी तरफ इशारा किया, चाहने वाला महबूब तो अच्छाई यही देखता है और वो अच्छाई बयान करे वो इतनी असर नहीं होगी जितनी अच्छाई बयान करने वाला मुखालिफ अच्छाई बयान कर रहा है उसका क्या हो सकता। तो आप देखिए वो थी वो 100 बुक जो माइकल हार्ट्स ने अभी लिखी, अभी 80 के दहाड़े, और वो बुक पढ़िए एच जी बैंस शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लंदन का। वो एनन रॉय जिसने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री लिखी और लाहौर में एक खुतबा किया, और ये वो लोग हैं जो मोहम्मद पर ईमान नहीं रखते थे, मगर जब उसने पढ़ा और उसने देखा और उसने ये देखा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खुतबा हज्जतुल विदा, ला फजल लिअरबीन अला अजमीन वला लिअजमीन अला अरबीन वला फजल लिअबीज अला अस्बर वला लिअस्बर अला अबीज बिलेक पर बेअबाइक को कोई प्रिविलेज नहीं है, और ब्लैक को वाइट पर, वाइट को ब्लैक पर कोई वजन नहीं है, इल्ला बिल्तक्वा जो खुदा का खौफ रखता है उसकी बड़ाई है। और उसने
जब ये देखा हंड्रेड्स वाले में वो क्रिश्चियन है और उन्हें 1,100 सब जानते हैं, मगर बताना उसने क्यों लिखा ये बताया उसने। मैंने क्यों कहा सब लोगों की 10,000 की हंड्रेड्स दुनिया में, जिन लोगों ने तारीफ की धारे को बदला 100 लोग उसने सिलेक्ट किया, उनमें सबसे ऊपर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा और उसने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैंने क्रिश्चियन होते हुए भी हजरत मसीह अलैहि सलाम का नाम पर नंबर 3 पर है और मोहम्मद का नंबर 1 लिखा, इसलिए कि मैं देखता हूं कि दुनिया की तारीख के धारे को मोड़ देने वाला वो शख्सियत जिसने दुनिया की काया को मुकम्मल पलट दिया, वो जात जिसने मुल्कों की तकदीर बदल दी। मुझे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नजर नहीं وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين ومحمد وآل محمد